जो कल है वो ग्रैंड पेरेंट्स की है, एक जो आज है वो पेरेंट्स हैं आपके, और जो अगला कल है वो है आने वाली पीढ़ी। तो एक चीज समझ के चलिए, वी आर नॉट लायंस क्लब, वी आर नॉट रोटरी क्लब, वी आर नॉट एनी टाइप ऑफ रेड क्रॉस ग्रुप और एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सोशल अपलिफ्टमेंट में हम सोसाइटी के काम करें। हम सोशियो रिलीजियस फर्म है, हम सोशल डिसकनेक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब भी सोशलाइज करेंगे तो ही हम किसी एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी, एक विचारधारा को किसी को दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमको सोशलाइज होना है, लेकिन सोशलाइज होने के पीछे का मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डेवलप करना, स्पिरिचुअल इमोशंस को कल्टिवेट करना। आज बड़े बड़े बच्चे भी भाव शून्य घूम रहे, भावनाओं का स्पंदन नहीं है समाज के बच्चों में, उनको पेरेंट्स के अलावा किसी में रस नहीं है। रिलेटिव्स क्या भेजो तो मुंह चुराते हैं, झेप जाते हैं, घर में रिलेटिव्स आने वाले हो तो बाहर भाग जाते हैं। एनी क्लास छे, एनो एच, अरे सारी पढ़ाई तभी सूझती है जब कोई घर में मेहमान आने वाला हो। आपके सभी के बच्चे जो हैं वो एक प्रकार से दब्बू होते जा रहे हैं। दब्बू दब्बू कैसे? उनको कोई ना कोई प्रकार का एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो सोशली तो बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड मान रहे हैं, पर वो सोशल मीडिया द्वारा कनेक्टेड है, सोशली डिस्कनेक्ट है, सोशल डिस्कनेक्ट हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव आदमी सोशली भी एक्टिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए साइबर साइंस इसको एक रोग मानता है, फोमोज नाम का रोग हो जाता है लोगों को, जिसको कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप खुद देखेंगे, आप हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करते हैं, हर 15 मिनट बाद अपना फेसबुक देखते हैं, हर थोड़ी देर बाद आप ट्विटर पे चले जाते हैं, नया YouTube पे क्या आया वो देखते हैं, आप अपने गैजेट के बिना नहीं रह पाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके टोटल इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स और इंटेलेक्ट इसको हाईजैक कर लिया है। तो ये जो आपके साथ की एक बहुत डिजास्ट्रस हाईजैकिंग हुई है, इसके कारण आप माता पिता के अलावा किसी के साथ रह नहीं पाते, और कालांतर में वो माता पिता भी आपको अखरने लग जाते कि भाई इनको एक ओल्ड एज होम की जरूरत है। अरे अब तो ओल्ड एज होम का कल्चर है, अब तो उनको एक अच्छा सा फ्लैट देके और उनको एक सर्वेंट वहां रख के उनको वहां रखना चाहिए, ताकि उनका भी ध्यान रहे, हम हमारा काम कर सकें। अब ये सब चीजें क्या है, अल्टीमेटली मैं मेरा प्रोफेशनल एस्पेक्ट मेरे ढंग से परस्यू कर सकूं, इसलिए मुझे नो नॉनसेंस जोन में जाना है। नो नॉनसेंस जोन में जाने के लिए सबसे पहले वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये सोशली हम सब जगह देख रहे हैं, कहीं पे भी अब काका काकी, चाचा चाची, इनके साथ रहने का कल्चर नहीं रहा है। धीरे धीरे हम सब कहां आ गए, हम दो हमारे दो बाकी सबको जाने दो। तो ये जो एक मनोवृत्ति लोगों को घर करती चली जा रही है, इन सबों से लोगों को बचाने के लिए आज आप देखो, मैं तो खुद हमारे खुद के समाज की निंदा करूंगा यहाँ पे, कि हमारे गोस्वामी समाज जो है, हम किसी के मरने और जन्म में जाते ही नहीं। अरे कहीं अच्छा जन्म हुआ तो भी हम कहते हमने नहीं कहता, हमने पिंडरू लागी जैसे। और अगर कोई कहीं मर गया तो अभी हम कहते हैं अरे हमको मत बताना, हमको सूतक लग जाएगा। अरे भाई, किसी के प्रजनन में और किसी के मरण में ही खड़े नहीं रहोगे तो काय के आप अपने और काय के कुटुंबी और काय के परिवारजन। मैं तो आपको ये हमारी खुद की परिस्थिति बताना चाहता हूं कि वल्लभ कुल के काम नहीं आता है। क्यों काम नहीं आता है? There can be several genuine reasons to it. किसी के यहाँ मुखिया भीतरिया नहीं है, किसी के यहाँ सेवा हाथ से ही है, किसी के यहाँ करने वाला कोई नहीं है, आगे बड़े उत्सवों का क्रम इतना है, मैं सूतक लगा के बैठ जाऊंगा तो मेरे ठाकुर जी जगाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन? This may be the same reason with some Vaishnavas also. But वो क्या रहा है, हम धीरे धीरे समाज में से भाव शून्यता की ओर जा रहे हैं, और हम धीरे धीरे ऐसे हो जा रहे हैं, हमको क्या मतलब, थवा दो ना, फिर क्या होगा? ये हमारे में मंथरा और केकई जैसी बुद्धि आ जाएगी, कौ नृप होए हमें कहन। अरे भाई, भरत राजा बनोगे, राम राजा बनो, मेरे को क्या मतलब है? उसी प्रकार से सोसाइटी में ये हो रहा है कि वो हो रहा है, अभी कैसा है, हम सब लोग केवल अपने अपने रोटी कपड़ा मकान तक सोचने में सीमित हो गए। हमारे कोई नियर एंड डियर, मतलब कौन है नियर एंड डियर जो हमारे साथ रोज बात करते हों, रोज कभी कभी किनके आना जाना हो जाता हो, पार्टीज में जो हमको बुला लेते हो, जिनके लिए हमको पार्टी देनी पड़ती हो। अब ये जो सब हमारी रूपांतर हो चुका है हमारे अपनों का, तो इसके कारण आप विचार करो कि यदि उनको आध्यात्मिक, आपके बच्चों को, आपको खुद को भी, अगर आपको और आपके बच्चों को वो आध्यात्मिक आधिदैविक कनेक्ट नहीं दिया, तो आप किस प्रकार की एक सोसाइटी का निर्माण करोगे जहां किसी को किसी के लिए कोई प्रकार की भावना ही नहीं रह जाएगी।
आप जिस ढंग से देख रहे हैं डिवोर्स रेट, पहले कुछ समाजों में ऐसा होता था कि वहां हम डिवोर्स सुनते थे, आज आप देखिए कौन सा ऐसा समाज है जो डिवोर्स से वंचित हो, संबंध होते। आज मेरी तो खुद की परिस्थिति बीच में ऐसी हो चुकी थी कि मैंने मेरे पितृचरण ने और मेरे भाई ने विचार किया अपन किसी के यहां हस्तमिलाप में जाएंगे ही नहीं, जिसको आना है हवेली आके आशीर्वाद ले जाओ, क्योंकि टिकने वाली है नहीं टिकने वाली हमको कुछ खुद को नहीं मालूम। और फिर क्या लगता है, अरे आटला बधो विधि विधान थी करियो, आटलो बधो चौघड़िया जोई ने करिया, मुहूर्त काढ़ी ने करो, जन्माक्षर बढ़ावी ने करियो, जे जे पोते पधारे आशीर्वाद आपा तो ना टक्यू, तो जे जे के बल पे संबंध किया था क्या? तो मेरा तो प्रश्न ये है कि हमको तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति हमारी खुद की हो जाती है कि हमको ऐसा लगता है नहीं भाई वैष्णव का और हमारा संबंध अलौकिक आध्यात्मिक तक आदि दैविक तक ठीक है, इनके लौकिक में पड़े तो हमको भी चार जूते खाने पड़ेंगे कि देखो वहां तो जे जे खुद पधारे थे हस्तमिलाप करने, वो संबंध भी टूट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज कौन सा संबंध कितना गरिमावान रह गया है, इसका भी जिस समाज को बोध नहीं है उसको जब तक उसके और भगवत संबंध का और उसके साथ संबंधियों के भगवत संबंधी होने का बोध करा के वैष्णवता रूपी एक उज्जवल भावना उसके जीवन में आध्यात्मिकतया नहीं रोकोगे, तब तक आदिभौतिक जगत में कितनी भी सुख और संपन्नता होने पर न घर में श्री रहेगी, न स्वस्ति रहेगी, न शुभ रहेगा, न शुचिता रहेगी। तो ये चार वस्तुओं को वैष्णव जीवन में रखने के लिए वैष्णव को वैष्णव का जीवन वैष्णवी रखना पड़ेगा, घर का माहौल वैष्णवी रखना पड़ेगा, बच्चों के व्यवहार आचार विचार कम से कम उनके वैष्णवोचित वैष्णव परंपरा में जिस प्रकार की भावनाएं हैं उससे उनको अवगत करा के रखना पड़ेगा। आजे एकादशी छे, आजे भारनो नहीं खातो, आजे एकादशी छे, आजे चाय नहीं पीवानी, चाय पण व्यसन छे, तो चाय कॉफी भी व्यसन रूप मान के जब एकादशी के दिन तुम चाय कॉफी से भी वंचित रहोगे तब तुम्हारे बच्चों में संस्कार पड़ेंगे कि हाँ आज के दिन हमको व्यसन नहीं करना चाहिए, आज के दिन हमको बाहर का नहीं खाना चाहिए, आज एकादशी के दिन हमको भगवत प्रसादी पर ही रहना चाहिए, एकादशी के दिन हमको अन्न नहीं लेना चाहिए, हमको जयंती व्रत करना चाहिए, पास में हवेली विराजती हो तो हमको भगवत दर्शन करने जाना चाहिए, हमको गुरु विराज रहे हो तो चरण स्पर्श का आग्रह रखना चाहिए, हमको अगर वैष्णव घर आए तो उनको अटेंड करना चाहिए, उनको देख के भाग नहीं जाना चाहिए घर से क्या अभी तो आलोक ना मम्मी पप्पा ना कोई गेस्ट आवे आचे हूँ तो जाऊँ चुभाए,